हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गद्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आपके इसका लाभ उठा सकें। आज हम जो आप लोग के बीच में क्वेश्चन लाए हैं वो सीटेट के इस बार होने वाले दिसंबर और जनवरी में पूछने की संभावना है। ठीक है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो आते हैं, देखते हैं कि आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको विकास को प्रभावित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जब विकास की बात आ रही है तो विकास होता कैसे है, तो आपने वृद्धि और विकास पढ़ा होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे इस चैनल पे वृद्धि और विकास के टॉपिक है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट हमको ये नहीं पूछा है विकास, यहाँ पे एक वर्ड आगे में लगा दिया है, क्या है, पियाजे के अनुसार। ठीक है, ये बस एक वर्ड से क्या होता है, आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहला, पुनर्बलन। दूसरा, भाषा। तीसरा, अनुकरण। चौथा क्या है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो विकास जब मेरा होगा तो वो जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, भौतिक चीज़ों से अनुभव लेंगे। ठीक है, अनुकरण, भाषा, पुनर्बलन, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे के, ठीक है, वर्ड को गौर कीजिएगा, जीन पियाजे के अनुसार नहीं कहा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा जब हम बताएंगे तो, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक काल, तो पूर्व संज्ञानात्मक काल की चर्चा किसने की थी, जीन पियाजे ने, और कौन सा था, पहला था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, यहाँ पे याद रखिएगा, क्या है आपका, 0 से 2 वर्ष। तो जब 0 से 2 वर्ष है तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तो जहाँ तक देखिएगा कि 0 से 2 वर्ष में, ठीक है, अमूर्त यहाँ दिया हुआ है, आप जब एग्ज़ाम हॉल में होइएगा तो बस ये अमूर्त चिंतन देखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय आपको संवेग पर नियंत्रण नहीं होगा, आगे की लाइन आप देखना जरूरी नहीं समझिएगा, तो ये आप वहीं पे कट कीजिएगा। उसके बाद दूसरे के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता, 0 से 2 वर्ष का बच्चा आपके मन में क्या चल रहा है वो कभी नहीं समझ सकता। अभिकल्पना निष्कर्ष चिंतन, चिंतन अभिकल्पना के तौर पे बच्चा 0 से 2 वर्ष का नहीं करेगा। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, उस समय उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है तो व्यवहार कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि सारा का सारा तो रॉन्ग ही है, तो राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तब आप थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अमूर्त चिंतन की योग्यता, कहने का मतलब जो चीज़ें नहीं है उसको भी सोच रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब बच्चे के पास खिलौना है, अगर उस खिलौना को आप हटा देते हैं तो भी उस खिलौना का क्या करता है, बच्चा जिक्र करता है और मांगने की चेष्टा करता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले ले। आगे चलते हैं, आगे है आपका वायगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चे की निजी संवाद की कल्पना।
ठीक है, बच्चे ने ठीक है क्या निजी संवाद किया है वाइगोत्स्की के अनुसार देखते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं और उन्हें प्रौढ़ के निर्देश की जरूरत होती है। दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। चौथा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे आपका निजी संवाद दिया है, ठीक है, निजी संवाद मतलब खुद से बात, तो बुद्धू तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब खुद से संवाद कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पास नॉलेज है। अहम केंद्रित भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है निजी संवाद में, अपने आप से प्यार बिना निजी संवाद करके भी कर सकते हैं। चौथा है आपका स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देश के लिए भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। आते हैं अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। क्या पृथक नहीं किया जा सकता सीखने को, किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन देखते हैं, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से, किसके द्वारा, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, ठीक है, उसका जो सामाजिक संदर्भ संबंध होगा और पुनर्बलन होगा। तीसरा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो ये सारा ऑप्शन देखिए और कौन सा राइट आंसर होगा हमको बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा 2, इसमें दिया हुआ है उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, छात्र में बहुत सी भिन्नता है, इसमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक क्षमता को सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की भिन्नता के आधार पर, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या केवल ए या केवल बी या दोनों। तो क्या होगा, दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता को सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नता भी आ रहा है आपका, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की भिन्नता के आधार पर भी आ रहा है। तो दोनों होगा, दोनों किस में है देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी में है दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष अध्ययन में, ठीक है, ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनः बल दिया जाना चाहिए, छात्र द्वारा स्वयं सुसज्जित किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाता है, तीसरा है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा छात्र निष्कर्ष निष्क्रिय होते हैं, चौथा है उद्दीपक व अनुक्रिया के साथ जोड़ देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्र द्वारा स्वयं सुसज्जित किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारा का सारा आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में जरूर देखने को मिलेगा। तो अगला देखते हैं, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक विभिन्न विषयों पर लंबे व्याख्यान देते हैं, छात्र को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करते हैं, पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और छात्र की का प्रेक्षण करते हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न के उत्तर लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि छात्र को हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछने का अवसर देंगे और समाधान करने का भी अवसर देंगे।
अगला क्वेश्चन है, प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा कक्ष में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। हाँ, क्योंकि प्याजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चे स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, अगला है, नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चे की सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। अगला ऑप्शन है, नहीं शिक्षकों को प्रशासकीय कर्तव्य भी करने होते हैं। अगला है, हाँ, क्योंकि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ही विचार को की संरचना करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एक होगा, हाँ, क्योंकि प्याजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होगा। ठीक है, ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में हम लेके आए। इसी तरह से कुछ ना कुछ हम नया रोज आप लोग के लिए लेके आएंगे, सीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, यूपीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।